नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद रिबूट विद नेचर। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं वी गॉट अ लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑन द टेबल एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू सीरीज। जी हाँ, ये एक नई सीरीज है विच इज कॉल्ड हेल्दी लिविंग विद हेल्थ ड्रिंक्स। जी हाँ, तो आप जैसे देख सकते हैं बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके एक ऑप्टिमल हेल्थ अक्वायर कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। बट बड़ा सवाल ये है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर आप हेल्थ ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं तो जूसिंग बेटर होता है या स्मूदी बनाना चाहिए या ब्लेंडिंग करना चाहिए। तो ये एक बड़ा सवाल है और उसके लिए मैं आपको पहले समझा दूं कि जूसिंग क्या होती है, ब्लेंडिंग क्या होती है और अगर आप स्मूदी बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बनता है। जूसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक मशीन में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डालते हैं और आप उनको जूस कर देते हैं। एक तरफ तो आपको निकल जाता है सुपर फूड से भरपूर जूस, ऑन द अदर हैंड आप सारा फाइबर उसमें से निकाल देते हैं जो कि आपके शरीर के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फाइबर जो है वो आपके गट फ्लोरा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और आपकी हेल्थ के लिए, ऑप्टिमल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑन द अदर हैंड वी गॉट स्मूदीज। स्मूदीज जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं आपकी सेहत के लिए, क्योंकि आप जब स्मूदी बनाते हैं तो आप फाइबर नहीं निकालते हैं उसमें से। और साथ साथ अगर हम ब्लेंडिंग की बात करें तो आप एक मशीन में सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डाल देते हैं, उसको ब्लेंड कर देते हैं एक प्रॉपर हीट पे, एक हाई हीट पे आप उसको ब्लेंड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो कई सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मर जाते हैं आपके, जो आप जिन न्यूट्रिएंट्स के लिए वो जूस बना रहे हैं वो उसमें ख़त्म हो जाते हैं। सो बेस्ट प्रोसेस इज आप एक कोल्ड प्रेस जूसर इस्तेमाल करें जिसमें आपको स्मूदीज भी बन जाती हों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम ये जूसर यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम जूसिंग भी कर सकते हैं, स्मूदीज भी बना सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सही होता है। तो आप इस तरीके का कोई जूसर या ब्लेंडर आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप स्मूदीज बना सकें। और आप इसी तरीके की कोई मशीन खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारे जूसर्स ब्लेंडर्स डाल रखे हैं जिनको आप खरीद सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाले हैं और आपके लिए कॉस्ट इफिशियंट भी होने वाले हैं। जैसे कि हम जो ब्लेंडर हम यूज़ कर रहे हैं, मशीन जो हम यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ लाइक 30,000 रुपीस की ये मशीन है। तो अगर आप और सस्ती कोई मशीन देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार ज़रूर देख लें। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि ऑप्टिमल हेल्थ के लिए आप स्मूदीज बना सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली हैं। तो स्मूदीज जो हैं उसमें फाइबर एडेड होता है और फाइबर जो है मैंने आपको जैसा बताया कि आपके गट फ्लोरा के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बहुत सारे लोगों को इच्छा होती है कि वो एक ऑप्टिमल हेल्थ अक्वायर कर लें और ऑप्टिमल हेल्थ के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर तरीके का फूड अपनी डाइट में ऐड करें। एक बैलेंस मील के साथ साथ आपको मैक्रोज और माइक्रोज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर मैं मैक्रोज और माइक्रोज की बात करूं तो मैक्रोज में हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और फैट्स होते हैं, ये तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में खा ही रहे हैं। बट माइक्रोज का क्या? माइक्रोज जो होते हैं वो होते हैं विटामिंस, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये आपको सबसे ज़्यादा मिलते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। अब हम डे टू डे लाइफ में कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन तो बहुत ज़्यादा रखते हैं, बट क्या आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डे टू डे लाइफ में कंज्यूम कर रहे हैं सही तरीके से या नहीं? अगर आपको अपनी प्रॉपर विटामिन सी की मात्रा ही पूरी करनी है अपने शरीर में तो आपको उसके लिए अपनी डेली कंजम्पशन में कम से कम भी 16 ऑरेंजेस खाने पड़ेंगे। अगर आपको अपनी जो आपकी डेली रिक्वायर्ड अलाउंस है आपकी विटामिन सी की उसको पूरा करने के लिए, तो ऐसा हम बहुत ही मुश्किल है कि कर पाएं। तो उसके लिए हम स्मूदीज बना सकते हैं जिसमें हम सुपर इंग्रेडिएंट, सुपर फूड्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वी हैव गॉट पोमेग्रेनेट विच इज़ वेरी गुड फॉर योर ब्लड, वी हैव गॉट चिया सीड्स, वी हैव गॉट मिक्स ट्रेल जिसके अंदर पम्पकिन सीड्स हैं, इसके अंदर हमारे पास सफ्लावर सीड्स हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं माइक्रोज को पूरा करने के लिए, क्योंकि दे आर रिच इन विटामिंस, विटामिन ई की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। चिया सीड्स से आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, बहुत सारा प्रोटीन होता है। वी हैव गॉट बनानास, बनानास आर वेरी रिच इन पोटेशियम, वी हैव गॉट बीन्स हियर, वी हैव गॉट टमाटोज हियर, वी हैव गॉट लाइम, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है। विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। वी हैव गॉट क्यूकुम्बर, ये एक नेचुरल डायरेटिक है जो आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देता है कभी भी। वी हैव गॉट मिक्स बेरीज हियर, दे आर वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड दे आर अल्कलाइन, ये आपकी बॉडी को अल्कलाइन करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और हमारी बॉडी को अल्कलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम देखें तो अगर आप एक पीएच टेस्ट करते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी अल्कलाइन है या एसिडिक है, बट आपको 7.2 एक नंबर है, 7.2 ये आपके पीएच स्केल में
न्यूट्रल होता है, तो आपको अपनी बॉडी को न्यूट्रलाइज करना है। तो अगर आप टेस्ट करते हैं, अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो रखी है तो आपको उसको अल्कलाइन करना होता है, और बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो रखी है तो उसको आपको थोड़ा सा न्यूट्रल करने के लिए इस तरीके के फूड्स एंड वेजिटेबल्स खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वी गॉट स्पिनच हियर। स्पिनच कंटेन्स अ लॉट ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन सी, तो दिस इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ऑल दीज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। साथ वी गॉट कैरट्स हियर। कैरट्स आर वेरी गुड फॉर योर आइज, दे कंटेन विटामिन ए, कैरेटीन होता है इसके अंदर, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। साथ साथ इन सारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर यू गेट ऑल द ग्रुप्स ऑफ विटामिन बी, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अगर हम देखें कि अगर हम एक जूस बनाते हैं तो हम इन सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का फाइबर निकाल देते हैं, बट इफ़ वी डू अ स्मूदी, तो स्मूदी के अंदर वो जो एसेंशियल फाइबर है, हेल्दी फाइबर है हमारी बॉडी के लिए, जो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स है हमारी बॉडी के लिए, वो हमको सारे इन सारे इंग्रेडिएंट से मिल जाते हैं। ऑप्टिमल हेल्थ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्टिमल हेल्थ में। वो सोचते हैं यार आई गो टू द जिम, मैं बहुत सारी एक्सरसाइज करता हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्दी होऊंगा मैं। जी नहीं, लोग अनहेल्दी होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्किनी होते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं मैं जिम जाता हूँ, आई एम कम्प्लीटली रिप्ड, आई एम सो मस्कुलर। यार रिक्शे वाले की भी बहुत सारी मसल्स होती हैं, वो तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, वो अनहेल्दी होता है। तो ये आप मिथ हटा दीजिए कि आप जिम जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा मस्कुलर हैं, आप बहुत ज़्यादा फिट हैं। इट्स नॉट अबाउट बींग फिट, इट्स अबाउट बींग हेल्दी। फिटनेस इज इम्पॉर्टेंट, बट आपको ऑप्टिमल हेल्थ के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी फूड खाना। बहुत सारे लोगों को ये भी मिथ होती है कि यार प्रोटीन खा खा के मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाऊँगा। इट्स नॉट लाइक दैट। यू नीड एवरीथिंग, यू नीड कार्बोहाइड्रेट, यू नीड फैट। फैट हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप हेल्दी फैट नहीं खा रहे हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। आपको कैलरीज, हम बहुत सारे लोग कहते हैं यार कैलरीज बहुत ज़्यादा कैलरीज इंटेक कर रहे हैं, जूसिंग करते हैं, स्मूदी पीते हैं आप, इसमें भी बहुत सारी कैलरीज होती हैं, बट दे आर गुड कैलरीज। आपको इसमें से गुड फैट्स मिलते हैं। आप अगर एक बैलेंस डाइट खाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपकी सेहत के लिए। तो इसीलिए आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखें, समझें कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हेल्दी जूसिंग जो है, हेल्दी लिविंग विद हेल्थ ड्रिंक्स जो है, ये एक सीरीज है जो आपको सिखाएगी कि आप घर पे आसान तरीके से ये जो आप इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं, इन्हीं आसान इंग्रेडिएंट्स के, बहुत ही आसानी से मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स से आप एक ऑप्टिमल हेल्थ अक्वायर कर सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं होगा। 5 से 7 मिनट में आपकी एक बहुत ही बेहतरीन स्मूदी बन जाएगी। ये आपको फाइबर देगी, आपको न्यूट्रिएंट्स देगी, और ये कंप्लीट मील रिप्लेसमेंट भी हो सकती है। आपको उसमें प्रोटीन्स भी मिलेंगे, तो आप सोचिए कि ये कितनी ज़्यादा लाजवाब होने वाली है और कितनी ज़्यादा हेल्दी होने वाली है आपके लिए, और आप अपनी फैमिली को भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने इस तरीके की स्मूदीज अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को अगर आप सर्व करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा लिप स्मैकिंग भी होने वाली है। जो बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा रिप्लेसमेंट है, मील रिप्लेसमेंट है कि यार मेरा बच्चा पालक नहीं खाता फॉर से, या आपका बच्चा बैंगन नहीं खाता, आप अपनी स्मूदी के अंदर बैंगन भी ऐड कर सकते हैं। रीज़न बीइंग इज़ कि आप उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स और ऐड करने वाले हैं जो उसको डिलिशियस बना देगा। अगर हम बात करें कि अगर एक बच्चा कैरेट नहीं खाता या बीटरूट नहीं खाता, बट उसको एप्पल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो वी कैन मेक एन एप्पल स्मूदी विद एडेड बीटरूट, एडेड कैरेट। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा डिलिशियस भी होने वाला है और उसकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आप उसे होल फूड खिला रहे हो, होल फ्रूट खिला रहे हो, होल वेजिटेबल खिला रहे हो। अदर देन दैट, अगर हम डिजीजेज के बारे में बात करें, तो जिन लोगों को लगता है कि मुझे कैंसर हो सकता है, मुझे कैंसर से बचना है, प्रिवेंशन करनी है, आर्थराइटिस से फर्दर एज में प्रिवेंशन करनी है, जिन लोगों को इस तरीके की डिजीजेज हैं भी, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको इस तरीके के हेल्थ ड्रिंक्स रिकमेंड करता रहता हूँ, जिनको आर्थराइटिस होती है, जिनको इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, उन सब लोगों को मैं इस तरीके की ड्रिंक्स टाइम टू टाइम रिकमेंड करता रहता हूँ, क्योंकि दे गिव यू एन ऑप्टिमल हेल्थ। ये हेल्प करते हैं आपको उन सारे डिजीज से बचने के लिए भी, और जिन लोगों को इस तरीके के कुछ डिजीजेज हो चुके हैं उनको भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। फॉर से वी टॉक अबाउट कैंसर, वी गॉट बेरीज हियर। बेरीज आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। सो जो कैंसर सेल्स हैं वो ऑक्सीडाइजेशन की वजह से होते हैं, तो आप अगर बेरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्मूदीज के अंदर, अपने खाने में, डे टू डे लाइफ में कंज्यूम कर रहे हैं, तो दे आर वेरी गुड फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम कैंसर और द पीपल हु वॉन्ट टू प्रिवेंट देमसेल्व फ्रॉम कैंसर। बाकी अगर आप
ये सारी चीज़ें देख ही रहे हैं और इस सीरीज़ को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करें तो मैं आपको कुछ ऐसे बेहतरीन यू नो स्मूदीज बना के, हेल्थ ड्रिंक्स बना के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये आपके लिए किस तरीके के डिजीज़ में आपको हेल्प करने वाले हैं, आपको कैसे ये स्मूदीज बनाने हैं, क्या इनका आसान तरीका है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे आप उन सारी आपको स्मूदीज बनाने के लिए, हेल्थ ड्रिंक्स बनाने के लिए, तो आप इस चीज़ को अपने घर पे आसान तरीके से बना सकते हैं। अदर देन दैट, इफ़ यू नॉट फॉलोड और सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी आपको प्रेस करना पड़ेगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं कि आप कहाँ से ये सारे इंग्रेडिएंट्स ले सकते हैं। जैसे हमारे पास चिया सीड्स हैं, तो कुछ लोगों को पता नहीं होगा चिया सीड्स मिलते कहाँ से हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सारे इंग्रेडिएंट्स के लिंक्स भी दे रखे हैं, आप इन इंग्रेडिएंट्स को खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी से ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाए और आप ये स्मूदीज बना सकें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ इन विच वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ ग्रीन स्मूदी, जो बहुत ही आसान तरीके से पालक और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके जो आप वीडियो में देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। थैंक्स टू ऑल, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।